नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भाजपा के स्थापना दिवस पर सफल आयोजन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनाने के लिए भी एक विस्तृत योजना बनाई है। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की ओर से बुलाई गई जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, प्रदेश प्रभारी बिप्लब देव, संगठन मंत्री रविन्द्र राजू, महामंत्री वेदपाल एडवोकेट डॉक्टर पवन सैनी और मोहन लाल बडौली की उपस्थिति में फैसला लिया गया कि हर विधानसभा में 100 स्थानों पर 100 लोगों के साथ बैठकर पीएम मोदी के मन की बात को सुनने के प्रबंध किए जाएं। बैठक में पार्टी के स्थापना दिवस पर हुए कार्यक्रमों की समीक्षा, पन्ना प्रमुखों की प्रगति और उनकी कार्यशालाओं को लेकर भी व्यापक चर्चा हुई। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा, प्रदेश मीडिया एवं सोशल मीडिया प्रमुख डॉक्टर संजय शर्मा, जिला अध्यक्ष हुकुम सिंह यादव, राजेश बतौरा, अजय शर्मा, योगेंद्र राणा, कमल यादव, कैप्टन भूपेंद्र सिंह, गार्गी कक्कड़ उपस्थित रहे। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड 30 अप्रैल को प्रदेश की हर विधानसभा के 100 स्थानों पर लोगों की ओर से देखे और सुने जाने का प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की मन की बात सुनने के बाद 2 लाख लाभार्थियों से सर्वेक्षण करने का लक्ष्य कैडर को दिया गया है। कार्यकर्ता लाभार्थी से उन योजनाओं का फीडबैक लेंगे जिनका लाभ वे उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन का मूल मंत्र लेकर फील्ड में उतरेंगे और केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को मिले, उनके सहयोगी बनेंगे। गुरुग्राम से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। जिला प्रभारियों की बैठक कर रही है जिसमें हमारे सभी महामंत्री भी हैं प्रदेश के, हमारे प्रभारी मित्र देव जी और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जी वो बैठक को संबोधित करके गए। इस बैठक में जो हमारा 6 अप्रैल का कार्यक्रम गया है उसका एक जिसको हम रिपोर्टिंग कहते हैं वर्क लेवल वो चल रहा है और हमने एक लक्ष्य लेकर चले थे कि 5 लाख घरों पर हम झंडा फहराएंगे। मुझे बताते हुए ये खुशी है कि हमने अपने लक्ष्य से पूरा किया। अभी बूथों की संख्या कुछ बढ़ गई है, 19,839 हो गई है, पहले 19,786 थी। और हर बूथ पर हमने प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन था वो हमने सुनना था बैठ के, और मुझे इस बात की खुशी है कि इस लक्ष्य को हम 90% पूरा कर पाए हैं। ये एक बड़ी अचीवमेंट है उस नाते से क्योंकि पहले जो मेरा आंकड़ा रहता था वो लगभग 16,000 बूथों तक किसी कार्यक्रम को ले गए थे, 19,786 में से 19,839 हो गए हैं और 90% बूथों तक हम अपने इस काम को करने में हम सफल हुए। जो पन्ना प्रमुख का काम मैंने 6 अप्रैल तक कर दिया था, मुझे खुशी है कि 8 विधानसभाओं का काम कंप्लीट होके उनके अभी कांग्रेस में कोई ऐसी महत्वपूर्ण भर्ती कहीं नहीं हो रही है और हमको तो कोई ऐसा महत्वपूर्ण आदमी जाता हुआ दिखाई दिया नहीं। हाँ, कोई छोटे मोटे कुछ लोग जो है वो जरूर जिनको कोई स्टैम नहीं मिला हुआ कहीं पर ऐसे कुछ लोग जरूर गए होंगे, लेकिन कांग्रेस का कोई मैं कहूँगा कि ऐसा वातावरण जिस पर कांग्रेसी बड़े खुश हों, कांग्रेस ने तो खुद ही अपने को निपटाया हुआ है। देखिए कभी सिरसा जिले में सैलजा जी के परिवार का सैलजा जी का प्रभाव होता था, आज कहाँ? रणदीप सुरजेवाला कैथल और जीन के बड़े नेता होते थे, किसने निपटाया? है ना, आपको पता है किसने निपटाया? आप किरण चौधरी यहाँ रहेंगी वहाँ रहेंगी, कभी भिवानी जिला बंसीलाल प्रभाव बंसीलाल जी के प्रभाव क्षेत्र होता था, क्या क्या किया पिता पुत्र ने आपकी राजनीति की? एक एक जिले में राव इंद्रजीत सिंह जी तो हमारे साथ ही आ गए हैं, तो एक एक जिले में जिस प्रकार से इन्होंने अपने घर की राजनीति चलाने के लिए पूरे प्रदेश में कांग्रेस के प्रभाव को किस प्रकार से सिकोड़ा है, लोगों को कोई तड़ी मार गई, कोई राजस्थान पहुंचा, कोई कहीं पहुंचा ही नहीं, एक अध्यक्ष को लठिया के उतारा, एक अध्यक्ष को कारकरणी नहीं बना दी थी, दूसरा अध्यक्ष किया तो तीसरा अध्यक्ष भी बोलना छोड़ गया कारकरणी कब बनेगी, आपने भी कई दिन का खबर चलाई गुलशन जी अभी कारकरणी आई अभी कारकरणी आई, हम भी सोशल मीडिया देख रहे थे वो आई नहीं। इसलिए ये पार्टी अब सिकुड़ रही है, उस नाते से इन्होंने खुद ही सिकोड़ा है, मैंने जो नक्शा बताया वो आपके सामने। लगातार
केंद्र सरकार भी अपना 30% बजट पूंजीगत खर्चों पर कर रही है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करने पर खर्च कर रही है। इसलिए भारत की इकोनॉमी मजबूत है, इसलिए हरियाणा की आर्थिक सेहत अच्छी है। इसलिए ये कौन से पंजाब ने कोई बतासा तनख्वाहें बढ़ाई एक समय पर, ऐसी भी सिचुएशन आएगी तनख्वाहें देने में दिक्कत आने लगी उनकी इकोनॉमी में, तो इसलिए राज्य सरकारों को संतुलन देखना पड़ता है कि किस मत में किस समय इतना पैसा खर्च किया जाए। मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, पेंशन मिलिया सबसे ऊपर है देश में, चिरायु कार्ड, गरीब कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, इसमें सबसे बेस्ट स्टेट के रूप में कांग्रेस 6000 रुपये पेंशन देने का वादा। देखिए कांग्रेस कभी भी अपने वादे नहीं है, कांग्रेस तो अभी भी कहती है 50,000 रुपये मुआवजा दे दो, खेत की कुल आमदनी कितनी है एक बार जरा इसका हिसाब लगा लो, 20 क्विंटल गेहूँ होता है, 2115 का भाव है। तो ये तो ऐसी बातें करते हैं, ये 1.5 रुपया देने वाले लोग हैं, इन्होंने सदा झूठ बोली थी, इन्होंने ना स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की, ना इन्होंने कोई कंपनसेशन उस प्रकार से दिए, केवल झूठ बोल के सत्ता में आना चाहते हैं। इनके कोई वादे कितनों, ये राजस्थान में झूठ बोल के आए हम कर्जा माफ करेंगे, कुछ लोग राजस्थान वालों को, मध्य प्रदेश में झूठ बोल के आए, ये इस प्रकार के वादे करते हैं, बाद में लोग इनको ढूंढते करते हैं, ये इम्प्लीमेंट नहीं करते। मैंने सर पड़ोसी राज्य हिमाचल में तो उन्होंने OPSC को लागू करने की बात की और अब यहाँ पर भी हरियाणा में यही हो रहा है कि वो गए OPSC। निश्चित रूप से लोगों को अपने मुद्दे उठाने का हक है, हर दल को अपनी बात करने का हक है, लेकिन जो मैंने पूछा उस पर आप चुप मार गए, क्या हुआ कर्जा माफी, क्या वहाँ पूछा, क्या हालत हुई थी राजस्थान, क्या हालत हुई मध्य प्रदेश। ये जो वादे करके जो सरकार हथियार लेते हैं, ये ठगी कहते हैं, इसको चीटिंग कहते हैं, कि आप वादे कुछ करो और बाद में आके बैठ जाओ उसको पूरा नहीं करो। कांग्रेस इस मामले में गजब की है। राजनीति में किसी को भी कोई भी बात कहने का पूरा राजनीति में लोकतंत्र का मजा ही है कि लोकतंत्र में अपनी अपनी बात किसी को कहने का पूरा हक है। हरियाणा या देश उसकी सत्ता की चाबी अब त्रिवेणी में है। 3 बातों में, एक मैक्रो लेवल पर भारत मजबूत हुआ है ये हर आदमी को एहसास है, 5वें लेवल की इकोनॉमी, सुरक्षा के मामलों में मजबूती, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता हुआ देश, एक गर्व और गौरव के साथ खड़ा हुआ देश। माइक्रो लेवल पर चीज़ें लोगों को डिलीवर हो रही हैं, DBT से डायरेक्ट चीज़ें पहुँच रही हैं राज्य सरकारों के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से कुछ चीज़ें मैंने गिनवाई, जैसे होम डिलीवरी पिज्जा पहुँची, ऐसे रसोई गैस पहुँची थी, ऐसे हर घर में नल से जल पहुँच रहा है, ऐसे सबको वैक्सीन लगी है, रिकॉर्ड का प्लेटफॉर्म भी है, एक एक चीज़ नीचे तक जाना, आयुष्मान कार्ड घर घर तक पहुँचना, उस तरह से दूसरा ये, और तीसरा है पन्ना प्रमुख तक का भारतीय जनता पार्टी का संगठन। अब एक बात मैं बड़े धड़ल्ले से कह सकता हूँ कि अब नैरेटिव के आधार की राजनीति, उसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, किसी ने कुछ भी कह दिया, पन्ना प्रमुख तक बात हमारी पूछेगी विद इन सेकेंड्स, और किसी भी गलत नैरेटिव को किल करने पर हमको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। अब केवल नैरेटिव और 200 लोग उसके पीछे खड़े करके हल्ला मचा के जो राजनीति करने का दौर था वो चला गया। अब राजनीति होगी मेहनत से पसीना बहाकर असली रिप्रेजेंटेटिव बन के, 15-15 घरों पर प्रतिनिधि जब खड़ा होगा तब वो वास्तविकता की राजनीति होगी। नहीं तो क्या था, उस दौर की कुछ बातें कुछ समय चलाते थे, उस दौर में उस माहौल में उन बातों की बात से चुनावी मैदान ही पार कर जाते थे। अब भारतीय जनता पार्टी ने मैदान को पूरी तरह बदल दिया है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।